हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इलेवन पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ का जो ओडीआई मुकाबला शुरू हो गया है दोस्तों। तो इस ओडीआई का जो पहला मुकाबला खेला जाना है दोस्तों, लीवर्ड वर्सेस विंडवर्ड के बीच में। तो दोस्तों, ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है और पहला मुकाबला दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, जो कि दोस्तों लीवर्ड वर्सेस विंडवर्ड के बीच में खेला जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ही टीम का यहाँ पे फुल स्टैट्स जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा मैं पूरी न्यूज़, साथ ही दोस्तों जो यहाँ पे प्लेइंग 11 आई है और बैटिंग ऑर्डर जो आपको पूरी सही बताई जाएगी, और साथ में दोस्तों लास्ट में होगा कैप्टन वाइस कैप्टनशिप, और जो सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैं आपको टीम बनाकर दूंगा यहाँ पे जो हेड टू हेड स्मॉल लीग इस सभी के लिए जो दोस्तों सबसे नंबर वन टीम यहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल स्पोर्ट्स इलेवन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जो ऑन कर लेना ताकि दोस्तों वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चलिए जो हम आपको दिखा देते हैं टीम की न्यूज़ क्या डिटेल्स है, कहाँ पे मैच है, कैसे जो सब कुछ पूरी डिटेल यहाँ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो मैच को बता दें दोस्तों, लीवर्ड वर्सेस विंडवर्ड के बीच में मैच खेला जाएगा। आगे दोस्तों टाइमिंग इसकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6:30 बजे इंडिया के टाइमिंग हिसाब से मैच शुरू हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में मैच खेला जाएगा दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी पिच है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बैलेंस पिच देखने को मिलेगा दोस्तों, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा जो विकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। बैटिंग की बात करें तो बैटिंग काफ़ी अच्छी रहती है, साथ में दोस्तों जो बैलेंस बॉलिंग आपको देखने को मिलेगी, और दोस्तों जो यहाँ पे सबसे अच्छा रहता है वो स्विंगर बॉलर के जो स्विंग कराते हैं उनको जो काफ़ी हेल्प मिलती है दोस्तों यहाँ बॉलिंग के लिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एवरेज स्कोर, तो दोस्तों इस मैच का एवरेज स्कोर आपको जो है 250, 260, 270 तक जो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये मैच काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग और रोमांचक रहने वाला है। तो इस मैच का आप देखना चाहते हैं तो लाइव देख सकते हैं दोस्तों, आपको फैन कोर पर भी इजिली आप इसको लाइव देख सकते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन, तो दोस्तों यहाँ पे जो विंडवर्ड के दोस्तों इस मैच में मेरे को चांसेस लग रहे हैं कि इस ये मैच जो है विन कर सकती है दोस्तों, क्योंकि इसकी टीम जो काफ़ी अच्छी दिख रही है दोस्तों, काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है इस बार जो इस टीम की, तो इसका चांसेस थोड़े ज़्यादा है इस मैच में वॉन करने के। बाकी दोस्तों लास्ट के मैचेस के अकॉर्डिंग बताऊँ तो दोस्तों जो लीवर्ड के चांसेस उसके पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से लीवर्ड इस मैच को जीत सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट के 5 मैचेज है दोस्तों, तो लीवर्ड ने दोस्तों पहला मैच लॉस्ट किया था, उसके बाद दोस्तों लगातार जो अपने 4 मैच दोस्तों यहाँ पे विन किया, तो इसके जो है जो एकदम स्ट्रॉन्ग और जो पॉजिटिव थॉट्स के साथ ये मैच आज का खेलने वाले हैं। आगे दोस्तों बात करें विंडवर्ड की, तो दोस्तों विंडवर्ड ने अपना पहला और आखिरी मैच जो है लॉस्ट किया है, बाकी दोस्तों 3 जो बीच में जो है मैच इन्होंने जीता है, लेकिन दोस्तों लास्ट मैच जो इन्होंने हारा था और काफ़ी टाइम बाद इनका जो पहला लीग जो स्टार्ट है पहला मैच इनका ही होने वाला है, तो दोस्तों मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज के लिए। उसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं दोनों ही टीमों के यहाँ पे प्लेइंग 11 है, तो दोस्तों प्लेइंग 11 की बात करते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आपको प्लेइंग 11 दोनों टीम के जो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों हमारी विंडवर्ड के, दोस्तों विंडवर्ड आइलैंड के जो यहाँ पे आप प्लेइंग 11 देख रहे हैं, जहाँ पे आपको दोस्तों ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे सुनील एम्ब्रिस, साथ में दोस्तों यहाँ पे रहेंगे आंद्रे फ्लेचर, तो दोनों आपको जो है ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसका दोस्तों तीसरे नंबर पर डार्सन जो है आपको दिख जाएंगे और बैटिंग करते हैं, उसका दोस्तों चौथे पर आपको जो है रोनाल्ड काटो, जो कि इस टीम का एक स्ट्रेंथ बैट्समैन है दोस्तों, तो इस टीम में चौथे नंबर पर आपको जो है रोनाल्ड काटो बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। और इस टीम का जो विकेट कीपर रहेगा वो रहेगा दोस्तों स्वेट, तो दोस्तों स्वेट आपको जो है 5वें नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और दोस्तों इस टीम के आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों कैरन कोटी जो कि इस टीम का जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है दोस्तों, काफ़ी अच्छी जो गेंदबाजी कराते हैं स्पिन और साथ में बैटिंग में काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके आपको पॉइंट्स जो है देते हैं, तो दोस्तों बहुत ही जो बेस्ट प्लेयर आपके टीम में रहने वाले हैं कैरन कोटी। आगे बात करें तो दोस्तों एलिक, तो दोस्तों एलिक भी आपके टीम में जो हमारी है विंडवर्ड की तरफ से खेलने वाले, इनको जो है ऑलराउंड सक्सेस आपको खेलते हुए नजर आएंगे दोस्तों, बॉलिंग और बैटिंग में दोनों ही तरफ से पॉइंट्स इस मैच में आपको देंगे, तो भी काफ़ी जो है मेन प्लेयर आपके लिए रह सकता है। अगर ग्रैंड लीग खेलते दोस्तों तो एलिक को अपने टीम में एक वाइस कैप्टन बना सकते हैं या फिर दोस्तों एज अ प्लेयर लीड कर सकते हो। बाकी दोस्तों बात करें आगे बॉलिंग में, तो दोस्तों बॉलिंग में आपको जो है रेहान जॉन बॉलिंग कराते नजर आएंगे, उसका दोस्तों आउट ब्रेक जो कि अभी लास्ट दोस्तों इनका परफॉर्म जो बहुत बेस्ट है दोस्तों, जैसा कि अभी T10 लीग में हमने देखा कि ओवे मैक्यू ने कितना अच्छा परफॉर्म करके दिया था, हर मैच में इन्होंने जो 2-3 विकेट या फिर 1-2 विकेट निकाल कर दिया, तो कितने इंपॉर्टेंट है ये आप खुद ही समझ जाओ दोस्तों, ओवर मैच इस मैच के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसका दोस्तों लास्ट में बात करते हैं दोस्तों लैरी एडवार्ड दोस्तों रहेंगे आपको बॉलिंग कराते हैं, उसका दोस्तों केविन स्टीवर्ट, तो दोस्तों काफ़ी जो है बेस्ट इनकी टीम इसमें लग रहा है दोस्तों, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ प्रिडिक्ट किया दोस्तों जो विंडवर्ड को जो इस मैच में लग रहा है कि ये मैच जो है वॉन कर सकती है दोस्तों विंडवर्ड, दोस्तों ये मैच विन करने का ज़्यादा चांसेस जो है विंडवर्ड के है मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से। बाकी दोस्तों मैच जब देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि क्या जो है रिजल्ट निकल कर आएगा इस टीम की। तो आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जो आगे हमारी जो सेकंड रहेगी प्लेइंग 11 वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे लीवर्ड की तरफ से, तो दोस्तों लीवर्ड की तरफ से आपको यहाँ पे प्लेइंग 11 दिखा दूँ दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लीवर के जो प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे देवन थॉमस, उसका दोस्तों साथ नहीं उनके कैरन पोवेल दोस्तों, कैरन पोवेल दोस्तों जो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे देवन थॉमस के साथ, तो इस टीम को लीड करने वाले दोस्तों जो है थॉमस इस टीम का कैप्टन है, तो काफ़ी जो अच्छा बैटिंग करके आपको इस में दे सकते हैं 50-50 का मैच है दोस्तों, तो एक अच्छे प्लेयर के हिसाब से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। आगे दोस्तों वन डाउन यहाँ पर बात करें तो नीतीश कुमार आपको वन डाउन इसमें मैच में देखते खेलते हुए नजर आएंगे, उसका दोस्तों होज आपको 4वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, उसका दोस्तों इस टीम के जो विकेट कीपर रहेंगे आमिर जंगू, तो दोस्तों आमिर जंगू आपको 5वें नंबर पर जो है खेलते हुए नजर आएंगे। आगे दोस्तों 6वें नंबर पर बात करें तो दोस्तों टेरेंस वार्ड जो कि आपको इस टीम के जो है
मेन ऑलराउंडर है दोस्तों, बैटिंग और बॉलिंग में दोनों ही आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ी न्यूज़ है दोस्तों वॉट के, वो दोस्तों कि आपको ये अगर हो सकता है दोस्तों आपको पाँचवें नंबर पर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक धुरंधार बैट्समैन है और हो सकता है काफ़ी लंबे हिट्स की जरूरत हो तो आपको पाँचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे वॉट। तो दोस्तों उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों कॉलिंग रहेंगे, उसके बाद दोस्तों कॉलिंग आपको जो है ऑर्डर सेक्शन में मिल जाएंगे दोस्तों, काफ़ी बेस्ट प्लेयर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आठवें नंबर बात करें तो हेडन वॉश जो कि अपने बॉलिंग में काफ़ी माहिर है दोस्तों, काफ़ी चतुराई से जो बॉलिंग डालते हैं तो इनकी बॉलिंग दोस्तों काफ़ी अहम रहती है, काफ़ी जो इंपॉर्टेंस है इनकी टीम में। उसका दोस्तों बात करते हैं सीनो ब्रिज, दोस्तों सीनो ब्रिज भी काफ़ी बेस्ट बॉलिंग डालते हैं, इकोनॉमिकल बॉलिंग रहती है इनकी, तो जो है इनको अपनी टीम में रखने का फायदा ये होगा दोस्तों, जो अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट हमें जो है दे सकते हैं। उसका दोस्तों बात करें क्विंटन, तो दोस्तों क्विंटन का जो आपको बॉलिंग कराते हैं नजर आने वाले। उसका दोस्तों लास्ट में देखेंगे हम एस्मिड नेट, तो दोस्तों एस्मिड नेट का भी जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, यूथ बॉलर है दोस्तों, काफ़ी बेस्ट जो रहता है इनका बॉलिंग रहता है, तो आपको इस मैच में जो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक मैच देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों हम लास्ट में बात कर लेते हैं जो टीम के जो हमारे दोनों बहुत टीम से जो एकदम बेस्ट जो प्लेयर्स की जो टीम की मैंने यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन से बनाई है जोड़ी दोस्तों, वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए देख सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन से जो दोनों टीम की तरफ से बेस्ट सबसे बेस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे दोस्तों सुनील एम्बरिस रहेंगे, उसका दोस्तों आंद्रे फ्लेचर, उसका यहाँ पे डासन, उसका दोस्तों डेमन थॉमस, उसका दोस्तों यहाँ पे कैरन पॉवेल है, उसका दोस्तों वॉर्ड जो कि दोस्तों बताया मैंने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पांचवें नंबर पे भी बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं लीवर्ड की तरफ से जो ऑलराउंडर है। उसका दोस्तों बात करें ओवन मैक्यो, तो दोस्तों ओवन मैक्यो की ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आपको सबसे पहले पता होगा दोस्तों, टी10 लीग का इनका परफॉर्मेंस आपने देखा होगा कितना बेस्ट रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से आप ओवन मैक्यो को दोस्तों अपने टीम में कैप्टन भी बना सकते हो, इतने बेस्ट इनकी परफॉर्मेंस हो सकती है इस मैच में। आगे बात करते हैं दोस्तों कैरन कोटे, दोस्तों जो एक यूथ बॉलर दोस्तों बहुत बेस्ट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इसको अपने टीम में अहम भूमिका देना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग के लिए। तो उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं अपनी टीम, तो दोस्तों आगे टीम देखने से पहले हमारे चैनल जो है स्पोर्ट्स इलेवन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्तों, ताकि हमारी जो आगे की सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको पूरी न्यूज़ मैंने डिटेल्स यहाँ पे जो प्रोवाइड करा दिया है, उसके बाद दोस्तों चलिए हम जो अपनी टीम देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना, इजीली मैंने आपको यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे टीम बनाकर बता देता हूँ कि मैं कौन सी टीम यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है आपकी हेड टू हेड, और दोस्तों जो स्मॉल लीग की 3-4 मेंबर्स वाली लीग होगी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टीम हमने पहले से बनाकर रखा है जो कि एकदम बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों बात करें यहाँ पे जो हमने विकेट कीपर सेक्शन से डेवन थॉमस, उसका दोस्तों स्वेट हमारी टीम में रहने वाले हैं, और दोस्तों आप ग्रैंड लीग खेले तो यहाँ पे जो आमिर जंगू को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका सिलेक्शन देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम है 8.92, तो इनकी जो सिलेक्शन अपनी टीम में ग्रैंड लीग में दोस्तों आप रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको जो बहुत अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, रिस्की टीम बनाना और जो ग्रैंड लीग वॉन करना ये अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जंगू को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। उसका दोस्तों आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की, तो दोस्तों बैटिंग सेक्शन हमारे पास रहने वाले आंद्रे फ्लेचर, उसका दोस्तों यहाँ पे रहने वाले हमारे पास कैरन पॉवेल, उसका दोस्तों रहने वाले नीतीश कुमार, उसका दोस्तों लास्ट में रहेंगे दाजन, तो दोस्तों काफ़ी बेस्ट प्लेयर हमारे अपने टीम में यहाँ पे शामिल कर लिया दोस्तों। उसका दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ जो कि दोस्तों यहाँ पे रहने वाली है आर रोनाल्ड काटो, दोस्तों रोनाल्ड काटो दोस्तों बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, अगर आप इसको टीम में अपनी लेना चाहते हो तो आप इजीली जो है नीतीश कुमार को ड्रॉप करके इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हो दोस्तों। फिलहाल दोस्तों आपको फाइनल टीम जो है लाइनअप के बाद में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल जो दोस्तों अभी हमने अपनी टीम में जो नीतीश कुमार को शामिल करना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी जो है बेस्ट प्लेयर है दोस्तों, बैटिंग सेक्शन में जो है लीग की तरफ से अच्छा परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कुछ बात होगा इसमें होगी, तो मैं आपको टीम जो है फाइनल टीम आपको जो टेलीग्राम पे हमारे मिल जाएगा दोस्तों, इसकी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी हमारी टीम में नीतीश कुमार रहना है, उसका दोस्तों नीचे से बात करें तो दोस्तों यहाँ से आपको जो है एम होग इस मैच में खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, एम होग को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो। उसका दोस्तों ऊपर से जो प्लेयर्स हमने जो मेन है उसको हमने ले लिया। उसका दोस्तों आगे बात करें ऑर्डिनरी सेक्शन की, तो दोस्तों ऑर्डिनरी सेक्शन से सुनील एम्बरिस सबसे बेस्ट रहेंगे, आप इनके सिलेक्शन भी देख सकते हैं 90% लोगों ने अपनी टीम में रखा है। उसका दोस्तों आगे जो है टी वर्ड जो कि दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, जो पाँचवें नंबर पर भी आपको बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए इनकी जो सिलेक्शन भी देख लीजिए कितना ज़्यादा है दोस्तों, और बहुत जो है बेस्ट प्रिडिक्शन इसके लिए इस मैच में रहने वाला है, बहुत काफ़ी अच्छा जो अच्छा बैटिंग और बॉलिंग में आपको पॉइंट्स देने वाले हैं। और दोस्तों एक और यहाँ पे बेस्ट प्लेयर की बात करें तो दोस्तों सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर नजर आने वाले केविन कोटी, जो कि काफ़ी जो है अच्छे गेंदबाजी और बैटिंग करके दे सकते हैं आपको। तो दोस्तों एक जो डिफरेंशियल पिक में है जो कोटी को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। आगे दोस्तों यहाँ से जो है आपको ये खेलते हुए नजर आ जाएंगे सी आर्चडेल, उसका दोस्तों यहाँ से आपको जो है अली खेलते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी दोस्तों कार्टी का अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है, तो कार्टी को अपनी टीम में ट्राई नहीं करना है। उसका दोस्तों बात करने वाले हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से हमारे जो तीन बेस्ट बॉलर रहेंगे वो दोस्तों ओवन मैक्यू, उसका दोस्तों एच वॉस, उसका दोस्तों ए नेड, तो दोस्तों ये जो है सबसे बेस्ट प्लेयर हमारी टीम में रहने वाले हैं, इनके साथ ही हमारी जो प्लेइंग 11 बनने वाली है दोस्तों ड्रीम 11 की सबसे बेस्ट टीम हमारी तैयार रहेगी। बाकी दोस्तों आपको जो है
आगे बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन से दोस्तों हमारे इस मैच में जो कैप्टन रहने वाले दोस्तों यहाँ पे आंद्रे फ्लेचर और दोस्तों वाइस कैप्टन रहने वाले यहाँ पे हमारे जो है सुनील एम्ब्रिस। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे जो कैप्टन बना सकते हैं सुनील एम्ब्रिस और वाइस कैप्टन यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आंद्रे फ्लेचर या फिर दोस्तों एक और ऑप्शन आपके पास रहने वाला है जो है कैरन पोवल। तो दोस्तों आप किसी को भी इनमें से कैप्टन वाइस कैप्टन दोस्तों बना सकते हो। ज़्यादातर लीग में दोस्तों आंद्रे फ्लेचर, कैरन पोवल और दोस्तों सुनील एम्ब्रिस को आपको जो कैप्टन वाइस कैप्टन देखने में नजर आएंगे। दोस्तों अभी आपके जो नंबर टीम है दोस्तों लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कराया जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको एक टीम जरूर देख लेनी है एक बार। दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम हो गया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है आपको देख कर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों ये हमारी टीम के प्रीव्यू आप देख लीजिए कैसी है उसका। दोस्तों ये जो हमारे सारे बेस्ट प्लेयर अभी आपने जो हमारी टीम में शामिल करें उसके बाद दोस्तों लाइनअप के बाद एक और आपको फाइनल टीम जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, साथ ही बेल आइकन को हमारे जो ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मेहनत लगती है थोड़ी वीडियो को बनाने में दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन और जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।